तो झारखंड की राजधानी रांची के नया सराय स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक मेला लेकर आए हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ने बिजनेस मेले का आयोजन किया है जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव था छात्रों के बीच बिजनेस को लेकर जागरूकता देना, उन्हें बढ़ावा देना। सहयोगी सौरभ राय की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाया गया है। जी हाँ, बिजनेस मेला का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में बेहद खास साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी है उनको मौका मिला है खुद से हैंडमेड चीज़ें बनाकर यहाँ पे वो सेल कर पाए। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट मौजूद है जो कि यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा खुद के हाथों से बनाया गया है। प्योरली हैंडमेड चॉकलेट्स है और ये बेहद ही क्वालिटी भी अपने आप में रखते हैं। हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी हाँ, बताइएगा, हैंडमेड चॉकलेट्स है पूरी तरीके से आपने बनाए? जी, ये कम्प्लीटली हैंडमेड चॉकलेट है, ये हमने रात भर जाग के बनाए हैं। चॉकलेट के बारे बताना चाहेंगे, कौन कौन से वैरायटी के चॉकलेट्स आप? देखिए, हमारे बेसिस में मिल्क चॉकलेट यूज हुआ है, डार्क चॉकलेट यूज हुआ है, व्हाइट चॉकलेट यूज हुआ है। ये तीन बेस के अंदर में हमने बहुत सारे फ्लेवरिंग्स किए हैं, जैसे कि हमने किसी में आमंड डाला है, किसी में पान फ्लेवर इनकॉर्पोरेट किया है, कहीं फ्रूट एंड नट्स है, वेफर्स है, कुकी एंड क्रीम है, लव स्ट्रक है, ये सारे फ्लेवर्स है। एमिटी यूनिवर्सिटी फैकल्टीज का आप लोग का स्टॉल लगा? टोटली सपोर्ट मिला है, हम लोग को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और बस तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे हैंडमेड चॉकलेट्स तैयार किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि ये स्टॉल जो है वो एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाया गया है। यहाँ पे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि पेंटिंग बनाए हैं। जी हाँ, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये पेंटिंग आपने बनाया है, कितना समय लगा ये पेंटिंग? डिपेंड करता है, जैसे उसको बनाने में 3 घंटे, उसको बनाने में 40 आवर्स अप्रॉक्स, उसको बनाने में 35। एमिटी यूनिवर्सिटी ने आप ये कॉन्सेप्ट लाया है बिजनेस मेला का, एज ए स्टूडेंट कितना इफेक्टिव है आप लोग? इफेक्टिव तो यही, वरना रिकॉग्निशन तो मिलता ही नहीं ना, इसीलिए सब जान रहे हैं कि कला कॉरिडोर करके आर्ट है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है। क्या आप इसे प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, कि बड़े बड़े शहरों में आप इसे सेल कर सकें? हाँ, और मेरा वो है भी थीम, आफ्टर MBA यही प्लान। तो आपने देखा किस प्रकार से ये पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ का विजुअल दिखाया कि कितने बेहतरीन ढंग से विद्यार्थियों ने अपने हाथों से पेंटिंग का बनाए हैं, और एमिटी यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस मेला है उसमें वो प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। और ये अपने आप में एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, तो इससे बच्चों को मार्केटिंग का भी जो टैक्टिक्स होता है वो भी जानने को मिल रहा है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी संतु के साथ रांची।